कभी कभी हमें गर्दन के इस वाले हिस्से में बहुत ज्यादा दर्द होता है। ये गर्दन का बिल्कुल निचला हिस्सा होता है और थोरेसिक का बिल्कुल स्टार्टिंग वाला हिस्सा होता है, यानी इसे बोला जाए तो सर्वाइकल थोरेसिक जंक्शन बोलते हैं। ये दर्द बहुत ही अनोइंग होता है, बहुत इरिटेटिंग होता है और कंटिन्यू बना सा रहता है। ज़्यादातर देखा जाता है कि गर्दन को नीचे ले जाने में और ऊपर लाने में ये दर्द ज़्यादा महसूस होता है। आज के इस वीडियो में हम आपको वो 5 इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज बताएंगे जिन्हें करते रहने से आप इस तरह के प्रॉब्लम से तुरंत निजात पा सकते हैं। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर जया, जिनकी मदद से हम ये जानेंगे कि गर्दन का बिल्कुल निचले हिस्से में होने वाले दर्द, जिसे कि सर्वाइकल थोरेसिक पेन कहते हैं, उसे कैसे ठीक किया जाए। इसके लिए आपको कुछ इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज करनी होती है। पहली एक्सरसाइज को करने के लिए आपको एक लिस्ट बनानी है और उसे जो आपके गर्दन के या पहली हड्डी से स्टार्ट होती है वहाँ पे इसको स्टेबलाइज कर देंगे और उसके बाद में अपनी चिन को उस पर टच करेंगे और अपने हाथ अपोजिट हैंड से उसे पूरा स्ट्रेच करेंगे। खिंचाव आ गया यहाँ पे, जैसे आप इसे नीचे लेके जाएंगे आपको उसी जगह पे खिंचाव आएगा जहाँ आपको दर्द होता है। इसे आप 5 सेकंड होल्ड करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और फिर पूरा रिलैक्स हो जाएंगे। इस तरह से इस एक्सरसाइज को आप 5 टाइम रिपीट करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज को करने के लिए आपको एक हाथ को अपने अपोजिट कान की तरफ लेके जाना है और इसे गर्दन को पूरा बेंड करना है। आपको क्या करना है, जो आपका ईयर है इसे शोल्डर पे टच कराना है। इसे 5 सेकंड होल्ड करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 एंड देन रिलैक्स। इस तरह से इसे आप 5 टाइम राइट साइड से करेंगे और फिर इसे 5 टाइम लेफ्ट साइड से रिपीट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 रिलैक्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज को करने के लिए आपको सिंपली अपने हाथ को पूरा स्ट्रेच करना है। इसे पूरा खींच के रखेंगे, आपको एग्जैक्टली शोल्डर, एल्बो, रिस्ट तीनों जगह खिंचाव आ जाएगा। इसे 5 सेकंड होल्ड करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 रिलैक्स और फिर इसे दूसरे हाथ से वापस रिपीट करेंगे, पूरा स्ट्रेच करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 रिलैक्स। इस एक्सरसाइज को भी आप 5 टाइम रिपीट करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज को करने के लिए आपको सिंपली अपने दोनों हाथों को कंधे पर रखना है और इसे दोनों कोनियों को बिल्कुल टच कराना है। इसे 5 सेकंड होल्ड करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और फिर इसे बिल्कुल पीछे ले जाएंगे, जितना आप कह सकते हैं उसे पीछे लेके जाएंगे। इस वक्त अगेन आपको इसी जगह पे खिंचाव महसूस होगा, 1, 2, 3, 4, 5 अगेन आगे टच करेंगे और 5 सेकंड होल्ड करेंगे और फिर इसे वापस पीछे लेके आएंगे। लास्ट एक्सरसाइज को करने के लिए आपको इस तरह से एक टॉवल का रोल बनाना है या इस तरह का एक फॉर्म रोलर भी आप ले सकते हैं जो बड़ा इजीली ऑनलाइन अवेलेबल हो जाता है। इसके लिए हम इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। इस तरह से आप इसको गर्दन के नीचे लगाएंगे और इसे यहाँ पर बिल्कुल रिलैक्स छोड़ देंगे गर्दन को। इसके बाद में आपको क्या करना है, गर्दन को पूरा एक साइड में फुल रोटेशन देना है। जैसे आप इसे एक साइड लेके जाएंगे आपको एक साइड में पूरा स्ट्रेच फील होगा। इसे आप 5 सेकंड होल्ड करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 एंड देन कम टू न्यूट्रल। देन इसे अपोजिट साइड लेके जाएंगे, इधर ले जाकर फिर इसे होल्ड करेंगे। अब आपको राइट साइड में स्ट्रेस फील होगा गर्दन पर, 1, 2, 3, 4, 5 रिलैक्स। तो इस तरह से ये 5 एक्सरसाइज करके आप गर्दन में इस तरह होने वाले दर्द से जल्दी छुटकारा पा सकते हैं। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होगी, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस तरह की हेल्थ रिलेटेड वीडियो आपको मिलती रहेगी बहुत जल्द।